हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेंशन शो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मानू हॉस्टल फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को किस तरह से भरना है। मतलब यह है कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जिनका एडमिशन इसी साल हुआ है, उन लोगों को हॉस्टल का फॉर्म किस तरह से भरना है। आज ही से हॉस्टल फॉर्म भरने का समय शुरू हो चुका है और हॉस्टल फॉर्म भरने के लिए आपके ईमेल आईडी पे इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट पासवर्ड भेजा जा चुका है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और गूगल क्रोम पे जाके IUMS मानू सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मानू COE स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा और ये होम पेज है मानू IUMS का। इस पर सबसे पहले आप लोग को अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर इनरोलमेंट पासवर्ड डालना है जो कि आपके ईमेल आईडी पे भेजा जा चुका है, और उसके बाद जो कैप्चा होगा वो डाल देना है जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। उसका लॉगिन बटन पे क्लिक कर, लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम हाई लिख के आपका नाम होगा, और उसके बाद अप्लाई फॉर हॉस्टल सबसे ऊपर में पहला ऑप्शन होगा। अप्लाई फॉर हॉस्टल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा। सबसे पहले ऊपर में हाई और आपका नाम होगा, और उसके बाद मानू हॉस्टल एडमिशन फॉर्म अप्लाइड फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 लिखा होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको इनरोलमेंट नंबर डालना होगा पहले, उसके बाद आप अपना नाम डालिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर मेल या फीमेल जो भी होंगे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कोर्स जो है आपका जिस कोर्स में एडमिशन हुआ है वो डालिएगा, उसके बाद सेमेस्टर, सेमेस्टर फर्स्ट ही रहेगा, डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड यानी अभी जो एडमिशन लिए इससे पहले जो एग्ज़ाम आप पास किए थे उसमें आपको कितना परसेंट मार्क्स था वो डालना है। ठीक है, अगर आपका मार्क्स नंबर में है, मार्क्स में है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ डाल दीजिएगा। अगर आपका मार्क्स CGPA में होगा तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस जो है हैदराबाद का और आपके होम टाउन का इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आप डालिएगा किलोमीटर में। और ये बता दूँ आपको कि डिस्टेंस जो होगा वो रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन के बीच का है। जो आप टिकट लेके गए होंगे तो वो टिकट पे डिस्टेंस लिखा होगा उतना ही डालिएगा, ज़्यादा या कम डालने से आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो गलत हो सकता है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो आप चुन लेंगे, और उसके बाद जो है उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके नीचे, उसके बाद अगर आपके फादर नहीं हैं तो यस में चुनिएगा, RUN ऑर्फन, मतलब आप एक यतीम हैं तो यस में चुन लीजिएगा, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, यानी आपके फादर अभी ज़िंदा हैं तो नो ऑप्शन चुनना है, और अगर आपके फादर अब नहीं रहे दुनिया में तो यस ऑप्शन चुन लीजिएगा। उसके बाद क्या आप कोई PG कोर्स किए हैं मानू से? ठीक है, तो अगर किए हुए हैं तो यस चुनिएगा, अगर नहीं किए हैं अभी तक तो नो चुनिएगा। उसके बाद अगर कोई स्कॉलरशिप आपको HRA बेनिफिट से मिल रहा है तो यस कीजिएगा, और नहीं तो नो पे टिक कर लीजिएगा। लास्ट है कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आपके ऊपर लिया गया होगा मानू से पिछले साल, यानी कोई कोर्स और किए होंगे तो कोई एक्शन अगर आपके ऊपर लिया हुआ है तो यस, नहीं तो नो। तो ज़्यादातर लोग नो ही चुनेंगे, जो मानू में पढ़े नहीं उनको तो नो ही चुनना है, और जिस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है डिसिप्लिनरी उनको नो ही चुनना है। उसके बाद नीचे में जो है सो आपको इस तरह से एक प्लेज दिलाया जाएगा कि आपने जितने भी डिटेल्स भरे हैं वो सही है आपके जानकारी के हिसाब से, और इसमें एग्री करके और नीचे सबमिट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो 27 तारीख शाम 5 बजे से पहले अगर कोई अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, कोई अगर गलती हो गया होगा फॉर्म भरने में तो उसको अपडेट कर सकते हैं 27 तारीख शाम 5 बजे से पहले।